दोस्तों कंटेंट अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें इसके लिए बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक कर देना। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्निकल एक्सर के एक और वीडियो में विवेक आंसर्स के 135th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जहां लेता हूं मैं आपके क्वेश्चंस और देता हूं उनके आंसर्स। अगले वाले एपिसोड में आना तो नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिखो, वहीं से मैं पिक करता हूं। एंड चलते हैं पहले पिछले हफ्ते के पोल की तरफ। वीवो V27 सीरीज आ चुकी है, इसमें मैंने पूछा था कि आप किसका वेट कर रहे हो। वैसे दो ही फोन लॉन्च हुआ, V27 और V27 Pro। V27e अभी आया नहीं है, कहा जा रहा है बाद में आएगा। तो मैंने कहा था कि आप किसका वेट कर रहे हो, ठीक है? तो V27 कुछ 3600 लोगों ने वोट किया हुआ, जिसमें से सबसे ज्यादा कोई नहीं पे, पांच ऑप्शन थे, तो कोई नहीं मतलब 44% लोग ऐसे हैं जो किसी का भी वेट नहीं कर रहे हैं। एंड 1% लोग ऐसे हैं जो कि तीनों का वेट कर रहे हैं, बाकी तीनों को 55% मिला है मिला जुला के, जिसमें से V27 जो कि बीच वाला है उसको 32% मिला है, जो कि करीब 23 तारीख को आएगा, 23 मार्च को। सारे ऑफर्स लगा के 27,000 के आसपास आ रहे हैं, 32-33,000 पे लॉन्च हुआ है एंड 27,000 के आसपास सारे ऑफर लगा के आ रहा है। इसके ऊपर वीडियो बना जाके जरूर देखिए। V27 Pro को 17% लोग वेट कर रहे हैं और V27e जो है इसमें भी 6% जो अभी आया नहीं है, बाद में आएगा कहा जा रहा है। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं इस हफ्ते के पोल की तरफ। आपके हिसाब से सबसे सही वाली फास्ट है कौन सा आपके पास है, ये नहीं पूछ रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ कि सबसे सही वाली फास्ट चार्जिंग स्पीड कौन सी होती है, मतलब 18 वैट या उससे कम वाला, 30-33 वैट या उससे कम वाला, 67 से 80 वैट तक का या उससे कम वाला, या फिर 100 वैट या उससे कम, या फिर 100 वैट से ज्यादा वाला। आपके हिसाब से फास्ट चार्जिंग कितनी लिमिट होनी चाहिए, कम्युनिटी सेक्शन में जाइए, वहां पे पोल करके बताइए, या कमेंट सेक्शन में लिख के भी बता सकते हो। तो जाके वहां पे पोल करके बताइए भाई कि आपके हिसाब से सही फास्ट चार्जिंग कौन सी है। चलिए चलते हैं इस हफ्ते के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आता है रिकी टेक्निकल की तरफ से। सर आपको काफी दिनों बाद देखा और आप बहुत ज्यादा सूख गए हो, अच्छा कुछ हुआ था क्या आपको? हाँ, सुखंडी और कालरा सब एक साथ हो गया था, मतलब आईसीयू में एडमिट हो गया था। एंड ये वाली फोटो देखो, डायरेक्ट आईसीयू से भेजी है अभी। अरे भाई मेहनत किया है, वेट लॉस किया है यार, ऐसे क्यों कह रहे हो तुम लोग, बेइज्जत कर दो यार तुम लोग 10 लोग के सामने। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजन बेलागाई की तरफ से। एक आंसर, सर आपका सैमसंग S22 प्लस में हीटिंग का इशू है क्या? बैटरी बैकअप कैसा है? सर बैटरी बैकअप सैमसंग का हमेशा से ही खराब रहा है, मतलब बहुत आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जैसा बाकी जगह चलता है वैसा इसका नहीं चलता। हीटिंग इशू मुझे अभी तक नहीं है, मैं लिटरली कहूंगा मैं बहुत सारी चीजें करता हूँ, इवन रिकॉर्डिंग भी इसी से ही करता हूँ, मुझे हीटिंग का इशू अभी तक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकेश नामदेव की तरफ से। भैया मुझे सैमसंग A52s सेल करना है, कहाँ करूँ? सबसे बेस्ट है OLX, OLX पे डाल दो, जितने भी लोग आते हैं रिप्लाई करते हैं उसमें सबसे बेस्ट वाला जो उसको भेज दो। आप ये समझ लो कि जितने भी कैशिफाई ये सब है ना, ये सब जिस प्राइस पे आपको लिस्ट करते हैं ना, उसके आधे से आधे कम प्राइस पे भी आपसे लेंगे वो लोग, आके ना फिर उसमें भी नोटंकी करना चालू कर देते हैं, बेटर है OLX पे डाल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरण लोहान की तरफ से। मोटो G73 और 53 कब तक आ सकता है? 53 का तो अभी तक कोई डेट नहीं है, 73 10 तारीख को लॉन्च हो रहा है, 10 तारीख को आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग फोन नहीं है मेरे हिसाब से, 15-16 हज़ार के आसपास आएगा। IPS LCD का पैनल है, डेमेंसिटी 930 के ऊपर आ रहा है, तो 930 आप एक्सपेक्ट मत करो बहुत अच्छा होगा, ये 900 से भी खराब है डेमेंसिटी ये, तो डिसेंट सा स्मार्टफोन होने वाला है, ठीक है? तो वेट कर सकते हो, 10 तारीख का कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमिंदर भाई की तरफ से। #askvivek, मेरा भाई मेरा बजट 15,000 है, मोटोरोला G72 लेना सही रहेगा होली का जो सेल आने वाला है? हाँ मेरे हिसाब से काफी सही है, अगर आप 5G के पीछे नहीं भाग रहे हो तो मोटो G70 वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन्स है 15,000 के आसपास की बजट में, जो भी चीजें आपको मिलती हैं उस हिसाब से देख सकते हो। अगर आपको 5G के पीछे नहीं भागना है ना, आराम से देख लो, कोई इशू नहीं है, आराम से 2-3 साल यूज कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शलप्राथी की तरफ से। सर गूगल डायलर पैड कब खत्म होगा फोन से? जब गूगल खत्म कर देगा तो सब खत्म कर देंगे। ये होता क्या है कि जो भी गूगल डायलर देता है ना, वो सारे स्मार्टफोन, मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन यूज कर लेते हैं, बहुत सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं जो उस पर बहुत ज्यादा काम करते नहीं है। वीवो अच्छा देता है, मतलब वो गूगल डायलर नहीं देता है, दो ब्रांड्स है ऐसे सैमसंग, बाकी सब तो वैसे के वैसे उठा के देते हैं, ज्यादा काम करना नहीं चाहते। तो जब तक गूगल देगा तब तक, अभी तक ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं खत्म करने का, तो कुछ इंप्रूवमेंट्स आते रहे धीरे धीरे तो अच्छी चीज है, अदरवाइज खत्म करने का तो ऐसा कोई अभी तक वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिओम राजपूत की तरफ से। विवेक भाई क्या पोको का फोन 25 से 30 के बीच में लॉन्च होगा मार्च में? मार्च अप्रैल में दो स्मार्टफोन आ सकते हैं, पोको X5 GT है और दूसरा है पोको F5 जो कि चाइना में रेडमी K60E के नाम से आया हुआ है, आपको मालूम होगा ये भी BIS पे आ चुका है। तो अप्रैल तक पॉसिबली ये दोनों आ सकते हैं, जो कि 120 वैट की चार्ज, नहीं 120 नहीं आएगा, 67 वैट का चार्जिंग दोनों में रहेगा एंड मी डायलर के साथ आएगा, तो ये 120 वैट नहीं 67 वैट के चार्जिंग के साथ आने वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हसन खान की तरफ से। #vivekanswers, OnePlus 11R लेना चाहिए या शुड वेट फॉर OnePlus Nord 3?
अगर आपके पास है 40,000, थोड़ा सेल का वेट कर लो ना यार, उसमें वन प्लस 11R आपको 37-38 तक मिल जाए तो ले लो। मैं नॉट 3 के, अगर आपका बजट है तो ले लो 11R, वो ज्यादा बेटर है। विजय जायसवाल की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि चार्जिंग पहले 65, 120 जो भी है, तो आप पूछ रहे हो कि बैटरी क्यों चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, बैटरी अटैक बीच में एक दो आए थे, बट बाद ज्यादा मतलब उनके ऊपर फिर न्यूज आया नहीं। चेंज होनी चाहिए मेरे हिसाब से, एक दिन डेढ़ दिन चलता है, जो वो डिपेंड करता है कि आपके चिपसेट कैसे हैं, कितना NM का है, तो ऑब्वियसली उसका जो फैब्रिकेशन उसका उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, बैटरी बैकअप जो है, एंड बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, नई टेक्नोलॉजी की अगर आप बात कर रहे हो तो अभी तक तो ऐसा कोई खास न्यूज़ में नहीं है, एक दो आते रहते हैं न्यूज़ में, फिर उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं। अभी तक तो ऐसा कुछ ऐसा रहे कि चार दिन चार्ज न करना पड़े, इतनी बड़ी बैटरी दे देंगे तो आप मोबाइल कैरी करना भारी पड़ जाएगा। ठीक है, एंड दूसरी कोई टैग ऐसी आए तो जैसे आएगा वैसे इन्फॉर्मेशन देंगे, अभी तक तो कोई खास ऐसा कुछ नहीं है न्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद रहबर की तरफ से, टॉप टू फोन अराउंड 20,000। देखो, एक पोको X5 प्रो है, ये 23,000 का आता है, सेल में आपको ये 21,000 तक आ जाएगा, तो वो देख सकते हो। एक मोटरोला का G82 है, वो देख सकते हो। ये दोनों स्मार्टफोन मेरे हिसाब से 20,000 के आसपास के बजट के सबसे अच्छे स्मार्टफोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमित कुमार की तरफ से, QA प्रेजेंट टाइम में नथिंग फोन वन नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए सही होगा? ठीक है, मैं बहुत सही तो नहीं दूंगा, ठीक है, अगर आपको शो ऑफ के लिए दिखाना है ये सारी चीजें, एंड डिसेंट सा स्मार्टफोन चाहिए, बहुत खराब भी नहीं है, डिसेंट सा स्मार्टफोन अगर 23-24 हज़ार तक मिल जाता है ना सेल में 25 तक, तो मैं कहूँगा अच्छा स्मार्टफोन देख सकते हो। है तो 32 का, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर ये 25 के आसपास आता है ना तो ही लेना, उतना 32 तक मत जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑप्टिमिस्ट की तरफ से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीमियम स्मार्टफोन एंड फ्लैगशिप स्मार्टफोन अकॉर्डिंग टू देयर प्राइसेस, व्हिच स्मार्टफोन गिव मोर वैल्यू फॉर मनी? मैंने अभी तक, मैं तो दोनों को सेम ही समझता था, बट वर्ड के हिसाब से अगर आप जाओगे ना, फ्लैगशिप क्या होता है कि किसी स्मार्टफोन ब्रांड का जो सबसे टॉप मोस्ट वो होता है ना स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, सबसे बेस्ट चिपसेट, सबसे बेस्ट कैमरा, वो फ्लैगशिप हो गया। प्रीमियम कैसा हो गया, एक स्मार्टफोन मैंने लॉन्च किया है किसी भी स्पेसिफिकेशन के साथ, उसमें मैंने ऊपर ग्लू गोल्ड प्लेट कर दिया, डायमंड लगा दिया, तो ये प्रीमियम हो गया ये। ठीक है, मेरे हिसाब से वर्ड के मीनिंग ये हो जाते हैं। तो प्रीमियम स्मार्टफोन में जरूरी नहीं कि आपको स्पेसिफिकेशन भी अच्छे मिले, लेकिन फ्लैगशिप में ऑब्वियसली आपको टॉप मोस्ट जो ब्रांड का सबसे बेस्ट स्पेसिफिकेशन वाला है वो आपको मिलेगा दोनों में। तो ऑब्वियसली फ्लैगशिप जो होता है ना ये ज्यादा बेटर होता है एज कम्पेयर टू प्रीमियम। अगर आप एस्थेटिक्स जो होते हैं ना वो प्रीमियम के ज्यादा बेटर होते हैं, एंड इंटरनल्स जो होते हैं ये आपको फ्लैगशिप के ज्यादा बेटर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहसिन सैम की तरफ से, हैशटैग विवेक आंसर, सर लास्ट संडे आपने होली सेल को नहीं बता ऑफिशियल डेट अभी नहीं आया। होली सेल जो होता है ना इनका, यही ऐसा होली सेल नहीं होता, ये मार्च में एक सेल आता है, ठीक है, मोस्टली बिग सेविंग डे सेल के नाम से, एंड इस बार आपको 10 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में ही आपको देखने को मिलेगा। ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि यही टाइम है, इसी बीच में आपको कभी देखने को मिलेगा, एक आध दिन आगे पीछे समझ लो, अभी कोई डेट आया नहीं है, लेकिन यही टाइम समझ लो। होली सेल के नाम से आता नहीं है, अब आ गया इस बार कुछ नया तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जब भी मैं कुछ कहता हूँ तो कुछ नया ही आ जाता है, लेकिन ऐसा होली सेल के नाम से नहीं आता, ये बिग सेविंग डे सेल के नाम से फ्लिपकार्ट पे आता है, एंड अमेजोन पे भी बहुत सारे नाम अलग अलग नाम से आती रहती है। 10 तारीख से लेकर 20 तारीख मार्च के बीच में पॉसिबली आपको ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसके किंग की तरफ से, सर वीवो 27 प्रो होली सेल पर कितने का मिलेगा? जितने का भी मिल रहा है ऑफर सारे वही रहेंगे, कुछ चेंज ज्यादा नहीं होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है, यही होगा ऑफर और इसी प्राइस में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको 33,000 तक आ रहे हैं ना सारे ऑफर लगा के, हाँ वैसे ही 3,000 का कुछ कार्ड का ऑफर है, देन इसके बाद फिर एक्सचेंज वाला ऑफर है, वो सारे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है राबिया खातून की तरफ से, विवेक सर आपके आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, आप बताइए कैसे हैं राबिया? और वीवो V27 कब तक आएगा? वीवो V27 आ चुका है, 23 तारीख को पहला सेल है, ठीक है, इसके ऊपर पूरा वीडियो बनाया जाके जरूर देखिए, आपको सारे इन्फॉर्मेशन पता चल जाएंगे ऑफर से लेके सेल डेट का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन अमित कुमार की तरफ से, सर रियलमी GT5 कब तक इंडिया आएगा? रियलमी GT5 आने में अभी मेरे ख्याल से 2-2.5 साल बाकी है, अभी रियलमी GT3 आएगा, GT Neo 5 की बात शायद आप कर रहे हो, हाँ तो ये आपको अप्रैल के मंथ में पॉसिबली देखने को मिलेगा, ठीक है, GT5 आने में 2-2.5 साल बाकी है, अभी 1.5-2 साल के आसपास। GT3 है वो जो कि ग्लोबल गया हुआ है, और GT Neo 5 है, तो ये आपको मार्च एंड या अप्रैल ज्यादा चांसेस है कि आए आपको देखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधका की तरफ से, सर प्लीज सजेस्ट मी विच इज द बेस्ट गेमिंग फोन अंडर 50,000। 50,000 का आपका बजट है तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेरिएंट वाला जो 11R है ना वो ले लीजिए, वन प्लस का, मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट है, आग बंद कर लीजिए, कोई इशू नहीं है उसमें गेमिंग के लिए अगर आपको चाहिए तो। चलिए हो गए सारे क्वेश्चंस, आप वाला आएगी नहीं जरूर बताना, कैसा लगा वीडियो ये बता देना, पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना कितना पसंद है, और भी बहुत सारे वीडियोस हैं उन्हें भी चेक कर सकते हो,
और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो, और जाओ यार पोल करके बताओ कि आपके हिसाब से सबसे बेस्ट वाली चार्जिंग स्पीड कौन सी होनी चाहिए। कम्युनिटी सेक्शन में जाइए, वहाँ जाके पोल करके बताइए। एंड साइड में देखो वेक्टर इमेज भी है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और नेक्स्ट वीक वाले एपिसोड में अगर चाहते हो आपका क्वेश्चन यूनिक है तो नीचे कमेंट सेक्शन लिखो, वहीं से मैं पिक करता हूँ। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नया के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय।